हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सोरघम एंड मेज एंड देयर मैनेजमेंट। गाइस, सोरघम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें लगभग 150 से भी अधिक पेस्ट स्पीसीज अटैक करते हैं, जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे बोरर पेस्ट, ईयर हेड फीडर्स, सेप फीडर्स, डिफोलिएटर्स या फिर नॉन इंसेक्ट पेस्ट। गाइस, इसके एग्जांपल हम कुछ इस तरह से रख सकते हैं, जैसे बोरर पेस्ट। बोरर पेस्ट में है सोरघम शूट फ्लाई या फिर सोरघम स्टेम बोरर। देन ईयर हेड फीडर्स या फिर कह सकते हैं ईयर हेड फीडर पेस्ट ऑफ सोरघम। इसमें है ईयर हेड बग, सोरघम ईयर हेड मेज, ईयर हेड कैटरपिलर और चैफर बीटल। चैफर बीटल एक कोलियोप्टेरॉइड इंसेक्ट्स है जो कि ईयर हेड पे ही अटैक करते हैं। अगला कैटेगरी है सैप फीडर ऑफ सोरघम। सैप फीडर में है सूट बग, एफिड्स, स्टिंग बग और डिफोलिएटर्स में आते हैं ग्रास हॉपर्स, आर्मी वॉर्म, रेड हेरी कैटरपिलर और फ्ली बीटल्स। गाइज, हम सबसे पहले बात करते हैं सोरघम सूट फ्लाई की। सोरघम सूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है एंथेरिगोना सोकाटा। ये फैमिली म्यूसिडी ऑर्डर डिप्टेरा के सदस्य हैं। ये सोरघम के मुख्य कीट होते हैं। कीटों के द्वारा सोरघम के फसल को लगभग 12% की 12% की हानि होती है, 12% लॉस होता है और लगभग 5% सिर्फ और सिर्फ सोरघम सूट फ्लाई के द्वारा ही नुकसान किया जाता है। ज्वार के अलावा ये कीट वीट, मेज, बाजरा और मिलेट्स पे भी अटैक करते हैं। गाइस, एडल्ट कीट हाउस फ्लाई के समान दिखाई देता है। ये कीट यंगेस्ट लीफ पे 2 से 5 अंडे देते हैं, जो कि 1 से 2 दिन में हैच होकर लार्वा बाहर आ जाते हैं। मैगट पीले रंग के होते हैं जो 6 से 12 दिनों में प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका प्यूपल स्टेज लगभग 7 दिनों का होता है। गाइस, एडल्ट इंसेक्ट को हम उनके एब्डोमेन पे उपस्थित 3 जोड़ी ब्लैक स्पॉट से आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हम इनके नेचर और सिम्टम्स की बात करें, डैमेजिंग नेचर और सिम्टम्स की, तो मैगट्स जो है हैचिंग के पश्चात क्राउल करके ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं तथा लीफ सेथ और स्टेम के बीच से पेनिट्रेट करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सेंट्रल सूट जो है सूख जाते हैं, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, उसको डेड हार्ट कहा जाता है। डेड हार्ट खींचने से आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बहुत ही तीक्ष्ण गंध छोड़ते हैं। फेवरेबल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से अबव और कंटिन्यू रेनफॉल इनके प्रजनन दर को बहुत ज़्यादा बढ़ा जाती है। दैट मींस अगर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो तो बहुत ज़्यादा इनके प्रजनन होती है, ये बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं। 1 से 6 सप्ताह के पौधे बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसी बीच में ये कीट पौधों पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमको अर्ली सोइंग करना चाहिए। मानसून आने के तुरंत बाद ही हमें अर्ली सोइंग कर देना चाहिए, जिससे कि इनका अटैक कम हो सके। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड से, जस्ट लाइक इमिडाक्लोपीड 70 WPS एट द रेट ऑफ 10 g/kg ऑफ सीड। इसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनको हम डायरेक्ट फील्ड पे भी स्प्रे कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेथाइल डेमेटान या डाइमेथोएट। इनका हम डायरेक्ट फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं या फिर नर्सरी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट पेस्ट है सोरघम या फिर मेज के स्टेम बोरर। साइंटिफिक नेम है चीलो पार्टिलस। ये फैमिली पैरेलिडी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के मेंबर होते हैं। ये मध्यम आकार के कीट होते हैं जो विंग स्पैम के साथ लगभग 2 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। ये मटमैले रंग के होते हैं।
इनका अगला जोड़ी पंख भूरा होता है, जिसमें ब्लैक डॉट्स की एक कतार होती है, एक लाइन होती है ब्लैक डॉट्स की। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये कीट क्लस्टर में लीफ के वेंट्रल सरफेस पे अंडे देते हैं, जिनका हैचिंग लगभग 2 से 5 दिन में हो जाता है। लार्वे लगभग 25 से 28 दिनों तक पौधों पे फीड करते हैं, और लगभग 28 दिनों में ये 5 इंस्टार कंप्लीट करके प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो प्यूपेशन है स्टेम के अंदर ही होता है, और 8 से 15 दिन में प्यूपा से एडल्ट बाहर निकल आते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। गाइस, इनका डैमेजिंग स्टेज, ये लार्वल स्टेज में ही पौधों को डैमेज करते हैं, और लगभग 20 दिन के पौधों में आक्रमण करना शुरू करते हैं। अर्ली स्टेज में इनके इमरजेंस के अर्ली स्टेज में ये पौधों के पत्तियों पर फिट करते हैं, जिसको हम ब्लैक होल सॉरी शॉर्ट होल के रूप में आसानी से देख सकते हैं। शॉर्ट होल या पिन होल हमको पत्ते पर दिखाई देता है। बाद में ये आक्रमण अधिक हो जाने पे, इनका पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाने पे पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो जाते हैं। इसके पश्चात ये कीट मिड रिप पे तथा सूट पे बोर करके उसके अंदर फिट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में टिपिकल डेड हार्ट सिम्टम्स हमको दिखाई देता है। इनका जो पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ जाने पे एक ही स्टेम में बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। इनका सिम्टम्स स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेड हार्ट सिम्टम्स और शॉर्ट हॉल सिम्टम्स। इसके अलावा अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें मेन सिम्टम्स की, तो मिड रिप टर्निंग अर्ली स्टेज में मिड रिप टर्निंग और शॉर्ट होल या पिन होल ही इनका मेन सिम्टम होता है। इसके अलावा ओल्डर प्लांट में डेड हार्ट सिम्टम्स हमको दिखाई देता है। इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए हम इंटरक्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग करने से इंसेक्ट्स का ट्रांसमिशन रुक जाता है। इसके अलावा हम फील्ड पे लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और येलो पेन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड्स है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक फोरेट या कार्बोफ्यूरान, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस में हमको हार्वेस्टिंग के तुरंत पश्चात में क्रॉप रेसिड्यू को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।